मैं दिखाती हूँ जो वाईफाई लगाने वाले आए हैं वो अपनी पूरी की पूरी क्रेन्स लेकर आ रखे हैं। हम अभी तक क्या यूज कर रहे थे, ये रेंटल वाईफाई है, ठीक है, हमें नहीं लगा था कि इतनी बड़ी क्रेन वगैरह कोई लेके आए। गाइज वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। सो आज की शुरुआत हो रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे खाने से, बिकॉज ये शायद मुझे एक साल हो गया होगा शायद मैंने अभी तक खाया नहीं है, और जो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है और वो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है। वो है ये है पराठा, तो ये पराठा आलू का नहीं है, प्याज का नहीं है, ये पराठा है मूली का, और आज हम बहुत टाइम बाद खाएंगे मूली का पराठा, क्योंकि यहाँ तो हो चुकी है ठंड, और ठंड में ना गरम गरम मूली के पराठे मिल जाए विद कॉफ़ी या चाय, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और आज जो है एक्चुअली हमारे घर में जो वाईफाई था वो बहुत स्लो था, क्योंकि वो रेंटल वाईफाई था, बिकॉज़ हमने जो वाईफाई ऑर्डर करा था वो जो है एक या डेढ़ महीने बाद आना था, और वो आज आ चुका है। जब तक यहाँ क्या होता है कि जब आप वाईफाई मतलब हमने वाईफाई के लिए रिक्वेस्ट डाली थी तो उसमें बोला था मैं एक से डेढ़ महीना लग सकता है, बट उसके बीच आप एक रेंटल वाईफाई यूज़ कर सकते हो। तो हमने एक बॉक्स लिया था रेंटल वाईफाई का, मैं आपको दिखाती हूँ जो वाईफाई लगाने वाले आए हैं वो अपनी पूरी की पूरी मतलब ट्रक क्रेन्स लेकर आ रखे हैं, बिकॉज समझा तो इसका रीज़न। पूरी क्रेन आ रखी है, और एक क्रेन में भैया वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं हमारे, देख रहे हो, मतलब वाईफाई इसलिए एक महीना लगना था बिकॉज जो है जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं मतलब जो बिल्डिंग्स में रहते हैं उनका वाईफाई बहुत ईजी लग जाता है, बट जिनका मतलब घर होता है मतलब लैंड में अपना लैंड होता है तो उसको जो है टाइम लगता है, बिकॉज उनको पूरा सेटअप करना होता है और इसलिए बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हमें भी एक से डेढ़ महीना लग गया था उसी चीज़ के लिए। सो जो है आज, और फाइनली हमारा वाईफाई की स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थी जिससे हम बहुत परेशान थे और हम यही चाहते थे हमारा वाईफाई जल्दी लग जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी वीडियो अपलोड करने में, जो हमें 2 से 3 घंटे लगते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बट वो अब शायद दिक्कत ख़त्म हो जाएगी आज, क्योंकि आज हमारा फाइनली वाईफाई लग जाएगा, और मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। अभी मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि हम अभी तक क्या यूज़ कर रहे थे, वो है ये बॉक्स हम यूज़ कर रहे थे, ये रेंटल वाईफाई है, सॉफ्ट बैंक का बॉक्स, और इसका हम रेंट दे रहे थे। ये काफ़ी ये मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये भी ख़राब नहीं है, ये भी अच्छा है, बट इसमें स्पीड जो है वो वैसी नहीं आती है जो आप प्रॉपर वाईफाई वाली आती है, और 3 फ्लोर्स हैं तो उसमें दिक्कत होती है। भैया शायद ड्रिल कर रहे हैं इसलिए बहुत आवाज़ आ रही है, और हम ब्रेकफास्ट के साथ साथ वाईफाई लग रहा है तो ब्रेकफास्ट करते हैं और टी बनाते हैं, और उनको भी पूछते हैं, उनको चाय देते हैं, और वो भी इंडियन चाय पी लेंगे थोड़ा सा। कितना अच्छे से और जो भैया हैं वो प्रॉपर वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे गिर के वायर्स हैं आपको दिख रहा होगा, वो वायर से पूरा कनेक्ट कर रहे हैं, देखो पूरी वायर से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए टाइम लगता है वाईफाई लगाने में। मैं अभी तक यही सोच रही थी कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। आप देखो एक वाईफाई कनेक्शन के लिए ये पूरी की पूरी ट्रक गाड़ी लेकर आए हैं, सो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मैंने पहली बार देखा है। अभी तक हम अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ तो वाईफाई लगने में कोई दिक्कत होती नहीं थी, फटाक से लग जाता था, बट यहाँ पे प्रॉपर पूरी गाड़ी लेके और पूरा सेटअप कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे लिए।
है ना, मतलब पूरी गाड़ी क्रेन लेकर आ रखे हैं और उसको वो वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं और पूरी बिल्डिंग में साइड में कुछ कर रहे हैं ना, बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है. क्योंकि यहाँ पे ना इंडिया में जैसे क्या होता है कि जैसे पड़ोसी होते हैं ना तो उनको बोलते हैं कि हम आपकी छत पे चढ़ के मतलब ये कर लेंगे, मतलब ओके होता है. तो जापान में ना ज्यादातर किसी काम के लिए दूसरे को परेशान ज्यादा नहीं करते लोग ना, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी बड़ी मशीन लेके आए, प्रॉपर पर्टिकुलर एक हाउस के लिए वो लेके आएंगे. उसके यहाँ चार्जेस होते हैं, कई बार उस चार्जेस में डिस्काउंट मिल जाता है. और इसमें हाँ, और मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ भी नहीं, मतलब ठीक है, मतलब आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो. बट इसमें हमें एक चीज़ थी, मैं बहुत शौक थी, एक चीज़ मुझे बताई थी इन्होंने कि हमने टाइम ले रखा था मॉर्निंग का जो कि 9 to 12 था, इसके बीच इनको आना था. बट इनकी कंडीशन थी अगर हम 9 से 12 के बीच में आते और अगर आप घर पर नहीं होंगे तो हम 7,000 yen आपसे चार्ज करेंगे. क्योंकि मैं अभी तक पूछ रही थी क्यों चार्ज करेंगे, ऐसे तो अगर ये 12 बजे से पहले नहीं आया तो हम भी इनसे चार्ज कर सकते हैं ना पैसे. तो फिर ये बता रहे थे कि वो पूरा सामान लेकर आएंगे. तो अभी जैसे आपने देखा ही होगा कि वो कितनी बड़ी मतलब वो अपनी वो तैयारी करके लेके आते हैं ना, मतलब पूरी क्रेन वेन पूरी यहाँ तक हमारे एड्रेस तक लेके आ रहे हैं और ऊपर से हम उनको घर पे ना मिले तो फिर इन्होंने वैसे हमको 10 दिन पहले ही बता दिया था कि हम इस टाइम पे आपके घर पे आएंगे, प्लीज अपना टाइम जो है शेड्यूल रखना कि हमारा खाली रखना ताकि हमें आने में कोई दिक्कत ना हो. तो 2 दिन बाद इन्होंने बीच में कंफर्म भी करा और उसके बाद इन्होंने फिर एक लेटर भेज रखा था घर पे कि अगर आप नहीं होते हो और हम आ जाते हैं और आप हमको नहीं मिलते हो, हमें वापस जाना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए हम 7,700 को समथिंग चार्ज करेंगे. वो थे इस चीज के लिए, इतनी मेहनत के लिए. हाँ, तो पहले तो हमें लग रहा था कि ये क्या, हमें नहीं लगा था कि इतनी बड़ी क्रेन वगैरह कोई लेके आएगा. तो जब हमने देखा कि हाँ यार ये तो बनता है कि अगर हम कोई बंदा इतना मेहनत करके आया और हम उसको घर पे ना मिले तो फिर गलत बात होती है इनका, फिर जो बनता है तो बनता है, बनता है तो बनता है. और यही मतलब था, इसी वजह से ये टाइम इतना लगा कि एक से एक महीने से ऊपर हो चुका है, यही रीज़न था. बाकी अभी तक हमारे बहन जैसे आपको बताया, अभी तक हमारे वाईफाई बहुत नॉर्मली और बहुत ईजिली लगे थे बिकॉज हम बिल्डिंग्स में रहते थे, बिल्डिंग में अपार्टमेंट में रहते थे. बट जिसके लैंड होते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है और उसमें टाइम भी लगता है, इसलिए उसमें वाईफाई के लिए इतना लंबा टाइम बोला जाता है लगाने के लिए. सो हम करते हैं ब्रेकफास्ट और बनाते हैं चाय या कॉफ़ी और उनको भी सर्व करते हैं. और भैया लोग जो वाईफाई लगा रहे हैं तब तक हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. और बहुत दिनों बाद मूली का बनाना खा के ना बहुत अच्छा लग रहा. कैसा है? टेस्टी. खाया था? नहीं खा लिया, पहले खा लिया था. हाँ पहले खा लिया था. तो बहुत टाइम बाद हम खा रहे हैं क्योंकि ना इसमें थोड़ी मेहनत लगती है ना, इस वजह से. अब हम मूली लेकर आ गए हैं तो बेसिकली हमारे 3-4 दिन तो शादी पराठे चलेंगे. लेट्स सी. मुझे पता क्या याद आ रही है, केवल वाले भैया नहीं आ रहे थे? केवल वाले भैया इतनी गाड़ी लेके आते थे? गाड़ी लेके नहीं आते थे पर वो ये सब करते थे. नहीं, खंभे पे चढ़ते थे. हाँ Mm-hmm.